एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक तमाम फिल्मों में काम किया है और फिर सिनेमा की दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। हाल में ही तापसी की शादी को लेकर के खबर सामने आई थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 23 मार्च को उदयपुर में तापसी पन्नू ने अपने बॉयफ्रेंड मैथियास बॉय के साथ शादी कर ली है। इन खबरों के बीच में तापसी की एक सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल हुई है। शादी के बाद तापसी पन्नू की यह तस्वीर मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि शादी के बाद तापसी पन्नू की यह पहली तस्वीर है। साथ ही ये भी बताया गया कि तापसी ने अपने करीबी रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ ये गुपचुप शादी रचाई, जिसमें कोई भी बॉलीवुड से मेहमान शामिल नहीं हुआ था। दरअसल ये तस्वीर कंट्रोवर्सी का हिस्सा इसलिए बन गई क्योंकि इस तस्वीर में तापसी पन्नू के मांग में दिखाई दे रहा सिंदूर फ्लॉन्ट कर रहा है। दरअसल तापसी पन्नू और उसके दोस्त के साथ ये तस्वीरें हैं जहां मिथोए बॉय भी नजर आ रहे हैं। फैंस का मानना है कि तापसी ने शादी रचा ली है। तापसी पन्नू को लेकर की खबर ये सामने आ रही है कि लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मैथियास बॉय के साथ शादी कर ली है, तभी उनके मांग में यूं सिंदूर नजर आ रहा है। आमतौर पर किसी के माथे पर तिलक के समान अबीर या गुलाल लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ तापसी ने सीधे अपनी मांग में ही सिंदूर लगाया है जबकि पूरा सर खाली है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह तापसी शादी कर चुकी हैं और शादी के बाद तापसी की पहली फोटो है जो इस बात का खुलासा कर रही है कि वो अब शादीशुदा हैं। हालांकि इंतज़ार है फैंस का तापसी की ओर से कोई स्टेटमेंट आने का। क्या तापसी अपनी शादी को लेकर कोई स्टेटमेंट देती हैं? सभी को इंतज़ार रहेगा कि तापसी अपनी इस तस्वीर पर और अपनी शादी पर क्या कुछ खुलासा करते हुए नजर आएंगी।